सलाम पेश करता हूँ। जामिया की साथियों की तरफ से मैं कविता का दो लाइन पेश करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मेरा चाहे सर फोड़ दीजिए, आप चाहे मेरा कमर तोड़ दीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि आप अपना अधिकार के लिए आवाज फना बंद कर दीजिए। इस देश में जो कानून व्यवस्था चल रहा है संविधान से चल रहा है और हम सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग उसी कानून के तहत उसी विधि के तहत अपनी आवाज को जो कानून सरकार पेश कर रही है उसके खिलाफ में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी नगर है भारत की सरकार है उसने जान बुझ करके हम लोगों को टारगेट किया है। हम सभी लोग एक कानून के तहत अपनी आवाज को रख रहे थे कि आपका जो घटना किया है, आपका जो सीएपी है जो अब सीए में तब्दील हो चुका है उसके विरोध के दुरुस्त में हम अपनी आवाज को सड़क के थ्रू पार्लियामेंट तक लेकर के जा रहे थे। लेकिन हमने देखा, बहुत सारे फोटो में देखा, वीडियो में देखा, एक पुलिस भी है जो सारे वाहनों को तोड़ रही है, हर जगह आगजनी कर रही है और शांति और अमन पसंद जामिया के स्टूडेंट के ऊपर उस बात को लगा देता है। हमने ये भी देखा कि एवी में किस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी वहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर शुरू किया गया है, उनको मार दिया गया है। लेकिन उसी समय पूरे देश का जो छात्र है, जो सभी विश्वविद्यालय है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों को हम इस लड़ाई में अकेले नहीं है, आपके साथ पूरे देश का छात्र खड़ा है और हम लोग इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि अगर इसमें कोई बेकसूर है तो जामिया का छात्र है, अगर कोई बेकसूर है तो एमयू का छात्र है, और कोई कसूरवार है तो दिल्ली पुलिस है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय को लेकर के ही रहेंगे। आप लोग इस बात से बिल्कुल फिक्रमंद रहिए कि आप लोग अकेले हैं, आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। और मैं दो लाइन कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस देश के मिट्टी में शामिल है हर किसी का खून, ये देश के पाप का थोड़ी है। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।